बमबाज का घर कुर्क होगा, एक बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर फरार चल रहा है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। शूटर साबिर का मकान भी कुर्क किया जाएगा, तो दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों आरोपी उमेशपाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे थे, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, यह वही मामला जिसके चलते शाइस्ता परवीन भी फरार चल रही थी और कुल 5 आरोपी जो कि अभी भी फरार चल रहे हैं, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अब बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर कुर्क किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, 24 फरवरी को उमेश पाल और दो सरकारी गनर की हत्या हुई थी, और इस शूट आउट केस में जो आरोपी थे, 3 आरोपी फरार चल रहे हैं फिलहाल। जो शूटर थे बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, तो आज बड़ी कार्रवाई पुलिस कुर्की की करने जा रही है धारा 83 के तहत। इसमें शिवकुटी इलाके में पैतृक मकान है बमबाज गुड्डू मुस्लिम का, उसको आज कुर्क करेगी। इसके पहले धारा 82 के तहत उसे भगोड़ा घोषित किया गया था, वहां पर मुनादी कराई गई थी अगस्त के महीने में, और फिलहाल आज ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। और दूसरी कार्रवाई साबिर के खिलाफ की जा रही है। साबिर का मकान धूमनगढ़ थाना क्षेत्र के की ओर है, वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ भी पहले धारा 82 के तहत उसको भगोड़ा घोषित किया गया है और मुनादी की गई थी। तो दोनों आरोपियों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, और इसके बाद तमाम जो और आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों के खिलाफ शासन से 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जी चलिए, तो दोनों पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। आप कुर्की की बात सामने आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए सर्वेश। और झांसी से खबर लेते हैं, जहां पर जय श्रीराम बोलने पर 3 छात्रों को सेंट मैरी स्कूल में 11 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। खबर लगने पर कई थानों के पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंच गए। मामला मऊरानीपुर का बताया जा रहा है, जहां पर हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। निष्कासित किया गया है 11 दिन के लिए हिंदू छात्रों को। हम आपको बता दें पूरा मामला था क्या आखिर, जिसमें जय श्री राम बोलने पर 3 छात्रों को सेंट मैरी स्कूल में 11 दिन के लिए निष्कासित कर दिया। इसके बाद हंगामा मचा। मामले में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां पर आई, उठाने की उनको कोशिश की है। खबर लगने के बाद कई थानों की पुलिस फोर्स को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कि किस तरह से वहां पर पहुंचे। ये पूरा मामला मऊरानीपुर का बताया जा रहा है, जहां पर एक छात्र को 11 दिन के लिए सस्पेंड इसलिए कर दिया गया एक क्रिश्चियन स्कूल से, क्योंकि उसने जय श्री राम के नारे लगाए थे। बताया जा रहा है जो स्कूल है उसका नाम सेंट मैरी है, झांसी का ये स्कूल है। 3 छात्र ऐसे थे जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, और फिर उनको पनिशमेंट के तौर पर 11 दिनों के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, क्या है पूरी खबर? देखिए, पूरा मामला जो बताया जा रहा है, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें छात्रा ये आरोप लगा रही है कि 2 दिन पहले एक स्कूल पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें प्रार्थना के समय एक धार्मिक नारा लगाया 3 छात्रों ने, जय श्री राम बोला। इसके बाद आरोप लगा है कि विद्यालय प्रशासन ने उन सभी 3 छात्रों को 8 दिन के लिए स्कूल से निष्कासित कर दिया गया है। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया में, इसके बाद हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। मऊरानीपुर कस्बे में अभी भी लगातार वीडियो के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है, हिंदू हिंदू आरोप पर जिस तरीके से एक नारा लगाया गया धार्मिक, उसके बाद जिस तरीके से स्कूल प्रशासन पर 3 छात्रों को 8 दिन के लिए स्कूल से निष्कासन की जो कार्रवाई की गई है, उसके खिलाफ जो संगठन है वो लगातार नारेबाजी कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, जाम लगाया हुआ है। आरोप ये भी है कि जिस तरीके से की जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई देश भावनापूर्ण की गई है। इसके बाद जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच चुके हैं, उनकी बात लगातार हिंदूवादी संगठन से हो रही है। वहीं एक मामला ये भी सामने आया है कि जो स्कूल प्रशासन है, वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद उसने अपना एक लेटर जारी किया है इस पूरे मामले का। खुद स्कूल प्रशासन ने खंडन करते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, किसी भी धार्मिक भावना से आज कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, किसी भी छात्र को निष्कासित नहीं किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जिला प्रशासन के स्तर से जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, एक लड़की ने वीडियो वायरल करके बताया कि प्रार्थना के समय कुछ बोला गया था, इसके बाद 3 छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए, इसके बाद जो कार्रवाई आई है सामने, इसको लेकर के फिलहाल जो आक्रोश बढ़ा हुआ है। लेकिन जब स्कूल प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है, तो फिर मामला तो यही खत्म हो जाता है, क्योंकि कल से फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मानिए सोमवार से, तो फिर ये तो मामला यही पर खत्म हो जाता है।
बिल्कुल, जिस तरीके से स्कूल प्रशासन ने एक लेटर जारी करते हुए यहाँ के जो एसडीएम है मरौनी पर उनको लिखा है कि ऐसी कोई भी कार्रवाई उनके स्तर से नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं लेटर के जारी होते ही अब किसी तरीके का भी मामला बचता नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़े जिला प्रशासन को कि अगर लेटर जारी हो गया है तो मामला वाकई में खत्म हो चुका है, कि कोई मामले की अब संभावना बचती नहीं है। कल से बच्चे पढ़ने भी आएंगे, तो इस ऐसे मैटर को बिना वजह तूल ना दिया जाए, इसका भी जिला प्रशासन फिलहाल खास ख्याल रख रहा है। मौके पे जो हालात पे जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर निगाह बनी हुई है। हिंदूवादी संगठन लगातार आक्रोशित है और कहीं ना कहीं ये जानबूझ करके एक वीडियो फैलाया गया है या ऐसा वाकई में हुआ है, इस पूरे मामले की जांच प्रशासन को इस पर नजर रखनी चाहिए और मामले को यही रफा दफा करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि जब स्कूल प्रशासन ने कह दिया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं है तो फिर मामले को तूल देना भी सही नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाशवाणी जानकारी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।